दिल्ली के रामलीला मैदान में चल रहे बीजेपी अधिवेशन का आज दूसरा दिन है। अधिवेशन के दूसरे दिन पीएम मोदी कार्यकर्ताओं को समापन भाषण देंगे। अधिवेशन के पहले दिन बीजेपी के दिग्गज नेता जमकर गरजे। अधिवेशन के जरिए बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों का शंखनाद कर दिया है। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने आम चुनाव को लेकर कई दावे किए। यूपी में बीजेपी के खिलाफ बन रहे महागठबंधन पर तंज कसते हुए शाह ने कहा कि यूपी में बीजेपी गठबंधन के पास अभी 73 सीटें हैं और 2019 के चुनाव में वो 74 सीटें जीतेंगे, 72 नहीं। यानी कि 2014 के आम चुनाव से एक सीट ज्यादा यूपी में जीतने का दावा किया गया। यूपी में 73 से 74 होगी, 72 होने की संभावना नहीं। ये मूड के साथ देश का हर कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के साथ खड़ा है। उत्तर प्रदेश की विजय एक लंबे समय तक देश की राजनीति का निर्धारण करने वाली है।